किसान भाइयों नमस्कार। एक और न्यू वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ही वीडियो को आप लाइक करें। हमारा आज का एक्सपेरिमेंटेड वीडियो में आपको जो जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जो कैब्रियोटॉप फंगीसाइड आती है, VASF कंपनी की कैब्रियोटॉप फंगीसाइड, डेसेस 100 वायर कंपनी की और एक टॉनिक सिंजेंटा कंपनी की ईसाबियन, क्या आपस में इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं? तो थोड़ा सा हल्की फुल्की जानकारी शेयर करते हैं कि कैब्रियोटॉप जो फंगीसाइड है VASF कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और यह है डाउनी मिल्ड्यूड और लेट ब्लाइट पर बहुत अच्छा काम करता है। चाहो आलू हो दोस्तों, टमाटर हो दोस्तों, तो इन पर बहुत अच्छा काम करता है। डाउनी मिल्ड्यूड के बारे में बात करें तो करेला है दोस्तों, खीरा है और अंगूर, तो और भी जिन फसलों पर डाउनी आता है, लेट ब्लाइट आता है, उन पर बहुत अच्छा काम करता है कैब्रियोटॉप। 15 लीटर पानी में इसका 40 ग्राम की दर से इसका जो डोज है कैब्रियोटॉप 60% WG फॉर्म में आता है। इसमें मैथीराम 55% और पारा किलो स्ट्रोबेन दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन है, लगभग 5% जो कि WG फॉर्म में आता है, वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दोस्तों आता है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और यह एक सिस्टमिक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाहर की डेसेस 100 इसमें डेल्टा मैथ्रीन है दोस्तों, लगभग इसमें डेल्टा मैथ्रीन है, आप देख सकते हैं डेल्टा मैथ्रीन 11% ईसी फॉर्म में आता है, एमल्सी फाइबर कॉन्सेंट्रेट। यह है एक इंसेक्टीसाइड है जो कि कीटों पर काम करता है दोस्तों। तो इसका जो डोज 15 लीटर पानी में आप 25 से 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और टॉनिक ईसाबियन सिंजेंटा कंपनी की अमीनो एसिड युक्त है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही बढ़िया काम करता है इसमें अपनी फसलों पर। चाहे हरी सब्जियाँ हों, बागवानी हो, केला की फसल है, अंगूर है, आम है, अनार है, अमरूद है दोस्तों, और सब्जी वर्ग की फसलों में तो सभी में आलू टमाटर इनमें तो कॉमन सी बात है। तो चलिए डिटेल से आपको बतलाते हैं। सबसे पहले हम मिक्स करते हैं दोस्तों डेसेस 100 को। तो इसका जो डोज है आपको बतला दें कि 15 लीटर पानी में लगभग 25 से 30 ml की दर से स्प्रे किया जाता है। तो इसको हम ठीक तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक तरीके से इसको हम घोल देते हैं। दोस्तों हमने डेसेस 100 को पूरी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद दोस्तों इस पर हम मिक्स करेंगे सिंजेंटा कंपनी की ईसाबियन। भाई साहब यह टॉनिक है जो कि फसलों पर फल फूल की संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाती है। तो किसी भी स्टेज पर हम इसका मतलब स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बढ़िया काम करती है। ऐसी बात नहीं कि बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसका डोज है 15 लीटर पानी में दोस्तों लगभग 25 ml से लेकर 30 ml की दर से 1 से 2 लीटर पानी है। तो इसको हम ठीक तरीके से मिक्स करते हैं। दोनों दवा ठीक तरीके से घुल चुकी हैं, ज्यादा दिक्कत गई नहीं है घोलने में। अब हम कैब्रियोटॉप फंगीसाइड को घोलेंगे। यह कैब्रियोटॉप फंगीसाइड आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती है जो कि ज्यादा टाइम नहीं लगता घोलने में। इसको भी हम ठीक तरीके से घोल देते हैं दोस्तों। और इसका जो डोज कैब्रियोटॉप को 15 लीटर पानी में 35 से 40 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। ठीक तरीके से हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे और देखते हैं कि जो घोल है वो कैपेबल है कि नहीं है फसलों पे स्प्रे कर सकते हैं कि कैब्रियोटॉप को अकेला ही स्प्रे किया जाए। तो जानकारी के लिए वीडियो को
लाइक भी करना है। लाइक करेंगे आप तो जो सीरीज ये बहुत लंबी चलेगी दोस्तों, एक बात तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए, क्योंकि इन वीडियो पर मेहनत भी होती है। बाकी आप द एडवांस पर ए टू जेड की सीरीज तो देखते ही हैं, उस पर काफ़ी प्यार देते हैं, तो इस चैनल को प्यार दीजिए और प्रॉपर आप वॉच करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम एक्सपेरिमेंटेड जो आपकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है, कुछ किसान भाई हमेशा डीएम करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटेड वीडियो बनाइए, प्रयोग कीजिए कि कौन सी दवाई कैपेबल है, कौन सी खाद दवाई के साथ, तो बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को हमेशा आप लाइक करें और हमेशा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो घोल है आपस में कोई भी केमिकल्स रिएक्शन नहीं हुआ है, और जो घोल है एकदम हम अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, और बढ़िया टमाटर हो गया है, आलू हो गया, तो इन फसलों पर आप इजीली और न केवल आपको बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे, बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे दोस्तों, बाकायदा आप अपनी फसलों पर बढ़वार भी एकदम शानदार तरीके से देखेंगे। लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, डाउनी मिल्ड्यू पर भी काफ़ी अच्छा और उम्दा तरीके से परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।